That's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end in Michael Holland. तू 11 लोगों का कप्तान नहीं है, तू 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का कप्तान है, समझ ले इस चीज को। और आज बीच में जाके ये तूने तय करना है कि मैच जीतने के बाद 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो खुशी खुशी प्यार से सोएंगे या मैच हारने के बाद रोते हुए। अरे दोस्तों, अभी तो फिल्म 83 आई भी नहीं है और आखिर फिल्म 83 के रिलीज से पहले ही क्यों तारीफ हुई रणवीर सिंह की? और क्या कहा रणवीर ने अपनी आने वाली स्पोर्ट्स फिल्म 83 के बारे में? तो बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है और मैं हूँ अनिश पत्यागी। तो दोस्तों, 83 एक मल्टी स्टार फिल्म है जो कि थिएटर्स में 4 जून 2021 में रिलीज होगी। अब फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मेन रोल में दिखेंगे। फिल्म में कपिल देव के स्पोर्ट्स ड्रामा सीन्स दिखाए जाएंगे। रणवीर के डैशिंग लुक 83 के ट्रेलर वीडियो में सभी फैंस ने पसंद किए हैं। कबीर ने बताया कि उन्होंने रणवीर को इस फिल्म के लिए इसलिए चुना क्योंकि वो चाहते थे कि कोई अच्छा सा और रियलिस्टिक एक्टर इस फिल्म में भूमिका निभाए। 2019 में कपिल देव के बर्थडे के अवसर पर 83 फिल्म का पोस्टर रिलीज कर सबको फिल्म के बारे में सूचित किया गया था। आयुष्मान खुराना, धड़क के डायरेक्टर शशांक खेतान, युवराज सिंह और कई सेलिब्रिटीज ने रणवीर सिंह की तारीफ की थी कि वो पोस्टर में पूरी तरह कपिल देव जैसे दिख रहे हैं। दीपिका, जो कि रोमी की भूमिका निभा रही हैं, भी एक पोस्टर में दिखी। इस पोस्टर में दीपिका भी शानदार तरीके से रोमी के लुक को परफेक्शन से पेश करती दिख रही है। वो इसमें ब्लैक कलर के हाई नेक टॉप के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहने दिख रही थी। वहीं कपल बने रणवीर को स्माइल के साथ प्यार भरी निगाहों से देख रही हैं और ये पोस्टर हमें एक यंग रोमी की याद दिलाता है। पहले ये फिल्म पिछले साल के क्रिसमस पर रिलीज हुई। अब काफी समय के बाद इस मच अवेटेड फिल्म को एक न्यू रिलीज डेट मिली। फिल्म की न्यू रिलीज डेट सुनकर जितना फैंस खुश हुए हैं, उतना ही इस देश के मल्टीप्लेक्स थिएटर्स भी। अब सिनेमाघरों ने भी इस फिल्म की रिलीज डेट जारी कर दी है और वो अपनी खुशी सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनुमान के मुताबिक 83 एक हफ्ते में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। ये फिल्म रणवीर सिंह की पहले की सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी और ये कम से कम 200 करोड़ सिर्फ इंडिया में कमाएगी। अब कबीर खान ने बताया कि ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस फिल्म के माध्यम से वो दर्शकों को कपिल देव के स्ट्रगल और उनकी जिंदगी की पूरी जर्नी और परिवार वालों के बारे में दिखाना चाहते हैं। आपको बता देते हैं कि फिल्म के लिए कबीर ने बेहतरीन स्टार कास्ट चूज की है। कास्ट चूज करते वक्त कबीर ने उनके लुक्स और प्लेयर्स की एक्टिंग के साथ उन्हें क्रिकेट खेलना आता है या नहीं इस बात का भी ध्यान दिया है। इसीलिए तो 83 के लिए उन्होंने साकिब सलीम और हार्डी संधू जैसे सितारों को फिल्म में लिया है। उन्होंने इंसान के परफॉर्मेंस और क्रिकेट के लिए उनका पैशन को स्टारडम से ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, इसीलिए 83 की कास्ट बेहतरीन और हटके बन पाई है। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म 200 करोड़ क्रॉसिंग फिल्म बन पाएगी? क्या इसमें कपिल देव की जिंदगी की सच्ची कहानी दिखाई जाएगी या फिर फिल्म को हिट करने के लिए कहानी में ट्विस्ट दे दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताना मत भूलेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों, हमारी आज की राइटर है संस्कृति जलन।